إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال الله تعالى أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون جناب صدر معزز علماء کرام حاضرین مجلس اور میرے دینی و ملی بھائیو جو موضوع آج کی گفتگو کے لیے علماء کرام نے متعین کیا ہے موضوع ایسا ہے کہ بڑی کانفرنسوں میں اس کو ڈسکس کیا جائے کیونکہ چیلنجز دعوت اسلامی کو جو چیلنج اس وقت لاحق ہیں وہ محلے کی بنیاد پر نہیں ہے ایک شہر کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق عالمی طاقتوں سے ہے اور جتنی بڑی طاقت آپ کے روبرو کھڑی ہے مخالف ہے مزاحم ہے برسر جنگ ہے ظاہر ہے کہ آپ کو بھی اسی انداز کا پلیٹ فارم اس کے مقابلے اور دفاع کے لیے تیار کرنا چاہیے تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو اس طرح کا نہ میدان ہے اور نہ وسائل ہیں نہ قوتیں ہیں نہ صلاحیتیں ہیں لیکن اگر ہم عالمی طور پر ہونے والی سازشوں شرارتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ چادر اوڑھ کے سو جائیں اور ہم یہ کہہ دیں کہ یہ تو بڑی بڑی طاقتوں حکومتوں کا کام ہے ہمارے بس کی کہاں بات ہے جیسے ہم اور بہت سارے معاملات میں اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں شریعت اسلامیہ نے آپ کو اسی حد تک مکلف کیا ہے جس حد تک آپ کو صلاحیتیں دی ہیں لا يكلف الله نفسا الا وسعها تو جو صلاحیتیں آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں ان کو بنیاد بنا کر آپ اپنی دعوتی زندگی میں جو چیلنج مخالفین کی جانب سے محسوس کر رہے ہیں اس کے لیے تیاری کریں کیسے کریں کن بنیادوں پر کریں یہ بات مختصر طور پہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں ہمارے بہت سارے بھائی بہت سارے فضلاء اس طرح سے سوچا کرتے ہیں اور اپنے بیانوں میں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں
कि इस वक्त मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, कारे मजल्लत के गहरे गड़े में उम्मत गई हुई है। मुबालगे में भी मुबालगा कर लिया जाए तो ऐसी ही सूरत और ऐसे ही अल्फाज निकलते हैं। हमारे इन भाइयों ने तारीख इस्लाम नहीं पढ़ी है। अगर तारीख इस्लाम का मुताला जैसे करना चाहिए वैसे किया होता तो इस तरह के अल्फाज हरगिज इनकी जुबान पे नहीं आते। आज के दौर में हम हजार खराबियों के बावजूद बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। और जब आप मुसलमान को यह कह देते हैं कि आप कारे मजल्लत की गहराइयों में डूबे हुए हैं तो मायूसी का शिकार हो जाता है, फिर उससे उम्मीद इस बात की नहीं की जा सकती कि वो किसी चैलेंज का मुकाबला करने की सकत रखता है या खड़ा हो सकता है। तो आप मायूसी ना फैलाएं, इस मुबालगा आराई से बचें और ये हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारी दावती जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। दुआत का काम इससे सुस्त पड़ जाता है। जिनको हम दावत दे रहे हैं अगर वो सारे के सारे मायूसी का शिकार है तो उनमें से कोई सालेह कयादत कैसे खड़ी कर सकते हैं? और आप अकेली बुनियाद पर कुछ कर लेंगे, इसकी तो उम्मीद ही बेकार है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी में इस तरह की किसी भी सूरत हाल को इतनी मुबालगा आराई से बयान नहीं फरमाया। निहायत नागुफ्ता बे हालात हैं, फिर भी उम्मीद, तवक्कुल, भरोसा और दीन वाले हक वाले यही गालिब होंगे। अला इन हिज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून। ये देखिए, जब लोगों ने इस तरह की अफवाहें फैलाई और मुसलमानों को बददिल, मायूस और बुजदिल बनाने की कोशिश की, इन्नन्नास कद जमऊ लकुम, तो उसके मुकाबले में रसूल अकरम ने जो फरमाया सिर्फ एक जुमला, हसबुनल्लाह व निअमल वकील। देखिए एक जुमला, वो क्या कह रहे हैं? जाहिर है मुसलमानों की तादाद थोड़ी सी थी, मदीने में भी सारे लोग मुसलमान नहीं थे, एक बड़ा तबका मुनाफिकीन का था जो यूं मान लीजिए कि मुसलमानों को दाखिली तौर पर बर्बाद करने के लिए काफी थे, और एक बड़ा तबका मुशरिकीन का भी था, एक बड़ा तबका यहूद का भी था, और मुसलमानों की तादाद थोड़ी सी। इसके बावजूद ये जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, इन्नन्नास कद जमऊ लकुम, इन्नन्नास, मक्का ही नहीं आ रहा है, मक्के के आसपास के लोग ही नहीं आ रहे हैं, सारा अरब तुम्हारे खिलाफ चढ़कर आ रहा है। क्या आजकल हमारे पेश नज़र ऐसी सूरत हाल है? दायरे के नहीं है, उससे बहुत अच्छी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। एक दाई के लिए हजार चैलेंज हो लेकिन वो सीरत रसूल को मजबूती से थामे रहे तो हर चैलेंज का मुकाबला कर सकता है।
तो आप ये चाहते हैं अपने दौर के चैलेंजों से नबुरदाजमा रहें, उनका मुकाबला करें, दावत इस्लामी को आगे से आगे ले जाएं, तो इसके लिए आपके पास सबसे बड़ा कवि, मजबूत, पावरफुल एक जरिया है, वसीला है, हथियार है, वो क्या है? सीरत रसूल। जब ये मैं बात कह रहा हूं, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे अक्सर दुआत सीरत रसूल नहीं पढ़ते। सीरत रसूल के मशहूर मशहूर वाकयात के ताल्लुक से अगर पूछा जाए किस सन में पेश आए, किस कौम से ये मारका हुआ, मदीने से किस जानिब ये इलाका पड़ता है, ये भी मुश्किल हो जाएगा। ये तो छोड़ दीजिए कि खसारा मुसलमानों का कितना हुआ, मुशरकीन का कितना हुआ, इसका नतीजा क्या निकला, दावत इस्लामी को इससे क्या फायदा हुआ, ये बातें तो बहुत दूर की। तो भाइयों, अजीजों, हमारा पावर हाउस है, पावर हाउस सीरत रसूल, रसूल अकरम की जिंदगी। जब भी हमें कमजोरी महसूस हो, एनर्जी कम हो जाए हमारी, और हमारी कुव्वत के सरचश्मे टिमटिमाने लगे, तो हमें सीरत रसूल की तरफ लौटना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं ही नहीं कहा है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कोई कैद है इसमें? कोई कैद नहीं है, आप तो सब आलिम हैं, सब जानते हैं। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि, रहती दुनिया तक हर मामले में, इक्तसादी हो, सियासी हो, दावती हो, माशी हो, माशरती हो, किसी भी तरह का मामला हो, ज़ाते रसूल गिरामी हमारे लिए सबसे बड़ा पावर हाउस है, यहां से हमको पावर मिलता है। और दावत के मैदान में माजी में जिन लोगों ने बड़ा नाम पैदा किया है, जिंदगी की अक्सर रातें जिन्होंने रोकर गुजारी है, दिन इब्तिला आजमाइश में गुजारे हैं, इन लोगों में से किसी एक की भी जिंदगी आप उठाकर देखो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उन्होंने हमेशा अपने सामने रखा है। चैलेंज की बात हमारे आजकल के बहुत सारे दुआत आज के जमाने में ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, चैलेंजेस और उनका हल, ये इस तरह की ताबीरात, और ये इसका मतलब पहले नहीं थे आज पैदा हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले दिन से, दावत का पहला दिन, आपने रहमतुल्लिल आलमीन का मुताला करें, अर्रहीकुल मखदूम का मुताला करें, जो एक तरह से है उसी का खुलासा है। तो तीन मराहिल में रसूल अकरम को दावत का हुक्म दिया गया, अंजर अशीरत कल अकरबीन पहला मरहला, फिर अहल अल-कुरा मक्के वालों को दावत का मरहला, फिर उसके बाद आसपास के लोगों को, तब हुक्म हुआ फसदा बिमा तुमर वारिदनी जाहिली। इन मरहलों में से आप देखिए कि किसी मरहले में रसूल अकरम ने कोई मायूसी का इजहार फरमाया,
घर वालों को बुलाया, ख़ानदान के बड़े बड़े लोगों को बुलाया, दावत की, सब कुछ किया, लेकिन नतीजा उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। कोई सफ़ा पर चढ़े, मक्के वालों को आवाज़ दी, सब लोग आ गए, इस बात की गवाही भी ले ली कि मैं जो कहूँगा वो तुम्हारे लिए काबिले कबूल होगा। कहने लगे बिल्कुल होगा। ये कैसे हो सकता है कि हम आपकी किसी बात में शक करें, शुबा करें, झुटला दें? क्यों? इसलिए कि रसूल अकरम की ज़िंदगी के 40 साल उनके पास बतौर नमूना और तजर्बा के मौजूद थे। 40 साल के अरसे में जिस आदमी ने हंसी मजाक में भी झूठ ना बोला हो, और ये बात मक्के का हर फर्द जानता हो, तो मक्के के बड़े बड़े जिम्मेदारों और बड़े बड़े अमीरों और सरदारों के सामने अचानक कोई झूठी बात कैसे कह सकते हैं आप? तो कहा मानोगे मेरी बात? कहा मान लेंगे। मां जरबना अली कल कभी, और रसूल अकरम ने जब बात कही तो बात क्या कही? कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु तमलिकुल अरब वल अजम। ये देखिए, एक बात कहलवाते हैं और दो बातों का वादा करते हैं। एक दाई को मायूसी की नहीं, पहले ही दिन से जहन्नम में झोंकने की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे बहुत सारे भाई जहन्नम का तज़किरा बहुत ज़्यादा करते हैं। नहीं नहीं, आप उनको उम्मीद और उनको अच्छा पहलू ज़िंदगी का जो आप उनको बता रहे हैं, उसके अच्छे और बेहतर नताइज जो आने वाले हैं, हासिल होने वाले हैं, वो बताइए। तो एक बात कहलवाई, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह, दिया क्या उसके नतीजे में? तुफ्लिहु, कामयाबी। कामयाबी तुम्हारी रहेगी, तुम्हारे कदम चूमेगी। दूसरी बात, तमलिकुल अरब वल अजम, अरब व अजम तुम्हारे ज़ेरे नगीं होंगे, तुम मालिक होगे उनके। देखिए, एक जरा सी बात के लिए दो बड़ी चीज़ें। ये चीज़ हमें कुछ बताती है, नहीं बताती है? रसूल अकरम बहैसियत दाई अपने कौम के सामने खड़े हैं और पहली दावत उमूमी तौर पर देते हैं, और देखिए एक बात सिर्फ ये कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तुम्हें ये मिलेगा, ये मिलेगा। जो तरगीब व तरहीब पर जो मुहद्दिसीन किराम ने किताबें लिखी हैं, वो अपनी जहन की उपज नहीं है उनकी, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इस चीज को हासिल किया है उन्होंने कि तरगीब ये सबसे बड़ा काम करती है। और जो आदमी करने के लिए किसी तरह तैयार नहीं होता, उसका नफ्स उसको पीछे धकेलता रहता है, तरगीब में उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता और अपने नफ्स को मना लेता है। आइए बोलना, आइए इधर। तो तरगीब की बड़ी अहमियत है दावत के मैदान में, तरगीब का बड़ा रोल है। हमारे यहां इसकी बड़ी कमी पाई जा रही है, और जिन लोगों ने इसको पकड़ा है और इसके मिजाज को समझा है, आज देखिए कि उनकी किताबों में जाली, झूठी, कमजोर, मुनकर, शाज, हर तरह की बातें। बल्कि पड़ोसी मुल्क का एक मशहूर दाई
आज के जमाने का सबसे बड़ा जाली मुनकर शाज रिवायतें और बड़े बड़े लंबे लंबे नसूस अरबी में याद करके पेश करता है और लोग सर धुनते हैं, हालांकि वो महज सब गलत और ज़ईफ ही नहीं, ज़ईफ से भी नीचे दर्जे की चीज़ें हैं। और जो लोग सर धुन रहे हैं किसकी वजह से? तरगीब की वजह से। तो हम क्यों नहीं करते ऐसा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा मुबल्लिग बनाकर, गवर्नर बनाकर, जिम्मेदारी दीन की भी और दुनिया की भी। फरमाया बशरा वला तुनफ़िरा, कहाँ से शुरुआत की? बशारत से। रसूल अकरम की दावत की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? बशारत से। तुफ्लिहु तमलकुल अरब वल अजम, ये देखिए बशारत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो अपना आपका किरदार था, जब अपने सहाबा को ट्रेंड किया तो उनको भी किस चीज से? बशरा वला तुनफ़िरा, नफरत नहीं, नफरत की बात नहीं कहेंगे आप, और अगर कहना ही पड़ जाए तब तो तरीका यह होना चाहिए, बिल हिकमती वल मौइज़ति अल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। किसी शायर ने कहा कि हक कहना दुश्वार है लेकिन हक कहने में इज्जत जानो, हक आसानी से हजम नहीं होता, बहुत दुश्वार चीज, दुनिया में सबसे मुश्किल काम हक कहना है, अपने आप को मुसीबतों परेशानियों में ढकेलना है। तो क्या कहा? हक कहना दुश्वार है लेकिन हक कहने में इज्जत जानो, दिल की बात अगर कहना हो कहने का अंदाज बदल दो। तो आप बात कहें, अब एक तो यह है कि हमारे बाज़ उलमाए कराम आज, बाज़ उलमाए कराम की अजीम मेहनतों के नतीजे में जो बाज़ किताबों की तखरीजात हुई है, तो कोई भी हदीस तो उनका मौजू कभी कभी पूरा खिताब ये ज़ईफ़ है, ये मौजू है, ये मुनकर है, ये फलाने ये कहा है, फलाने ये कहा है, फलाने ये कहा है, ये बेचारी अवाम जो हमारे सामने बैठी हुई है, ये तो उन उलमाए किराम के जो उनके आप नाम जिक्र कर रहे हो उनको जानते ही नहीं, इनको क्या है? आपकी इस अजीम मेहनत का क्या असर मुरतब हो गया? आप तो वो जो बात गलत है, बजाय इसके कि आप इस पर मेहनत करें कि ये गलत है, आप ये कहिए ये बात सही है उसके मुकाबले की। और ये भी कहा जाता है, बाज़ लोगों ने इस तरह से बाज़ रिवायतों में जिक्र किया है, लेकिन मुहद्दिसीन के नज़दीक वो दुरुस्त नहीं है। तो देखिए, जिस बात पर तरकीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए जिस पर आपके सामने को अमल करना है, आप इसका उल्टा कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जो चैलेंज है हमारे सामने उसको हम पूरे तरीके से समझ नहीं रहे। चैलेंज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दिन से अल्लाह ताला ने बतला दिया। ये जो आयतें मैंने आपके सामने रखी, देखिए इसमें चैलेंज कहाँ है? कबल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतहु। देखिए तीन रुख है इस आयत करीमा की, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास
یہ تیسرا ہے. اس تیسرے رخ میں کیا کہا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ میں اللہ رب العزت نے کہا یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ ذمہ داری جو آپ پر ڈالی گئی ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ آپ کو ہار پھول پہنائیں گے، لوگ آپ کا آدر کریں گے، عزت کریں گے، سر پہ بٹھائیں گے، نہیں، آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کی جان لینے کی کوشش کریں گے، الزام تراشیاں کریں گے، بہتان بازیاں کریں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو آج کے زمانے کے چیلنج ہیں، سارے چیلنج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود اور پائے جاتے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے، شکل بدل گئی ہے، بنیاد وہی ہے، چیز وہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھیوں کو اس زمانے میں صحابی کہا جاتا تھا. صحابی، صحابی کے معنی بد مذہب، صحابی کے معنی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے والا. آج دیکھیے آپ کو وہابی کہا جاتا ہے، اور ساری دنیا میں آپ وہابی کے نام سے پہچنوائے جاتے ہیں، جبکہ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابی تھے، نہ آپ وہابی ہیں. لیکن وہابی بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کا کوئی دین و مذہب نہیں، یہ بد مذہب ہے، باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہے ہیں، باپ دادا کا دین طریقہ چھوڑ دیا انہوں نے، اور وہی سب کچھ الزامات آپ کے اوپر لگ رہے ہیں. لیکن اس میں جو نقطہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت لوگوں کی سازشوں، شرارتوں، بدماشیوں، الزام تراشیوں، بہتان بازیوں سے، آپ کو قتل کرنے کی سازشوں سے محفوظ رکھے گا. ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ قتل کرنے آئیں گے، مارنے آئیں گے، الزام تراشی کریں گے، بہتان بازی کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی عزت کو باقی رکھے گا، بڑھائے گا، یہ نہیں کہا. صرف آخر میں یہ کہا یعصمک من الناس، لوگوں سے، ان کی باتوں سے، ان کی سازشوں، شرارتوں سے اللہ محفوظ رکھے گا. ہجرت کی رات میں کتنے لوگ تھے جو ننگی تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے؟ کوئی شک تھا کہ آج کی رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو سکتی ہے؟ کوئی شک نہیں تھا. بظاہر بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، پھر غار ثور میں جا کر چھپ گئے، اور یہ لوگ نقش پاک کا پیچھا کرتے 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 اس غار کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے، اور اس کے اندر آپ ہیں. بخاری شریف کی روایت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے پیر کی طرف جھک کر دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. اس سے زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے کیا؟ اس سے زیادہ دشوار زندگی ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، واللہ یعصمک من الناس، وہاں ننگی تلواروں سے اللہ رب العزت نکال کے لیے آیا، اور یہاں غار میں رکھ کر وہاں تک پہنچ گئے، پھر بچا لیا، یہاں سے چلے اور ایک آدمی پھر 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. کوئی شک رہ گیا تھا؟ کوئی شک نہیں رہ گیا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بچا لیا.
और ऐसी ही रातें और ऐसे दिन आपकी जिंदगी में कितनी बार आए कि सरा ने अपने आदमी भेजे कि इसको गिरफ्तार करके लाओ। मुशरिकों में से एक आदमी आया कि धोखे से आपको कत्ल कर दे। वो वाकया अलग है जंग का कि जब आप दोपहर के वक्त में आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे हो, तलवार लटका दी है। उसके अलावा कितनी बार आपकी जिंदगी का चिराग गुल करने के लिए इन लोगों ने कोशिशें की, लेकिन वादा क्या था अल्लाह रब्बुल इज्जत का? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना वादा पूरा किया। एक दाई को पहले दिन से यह मानकर चलना चाहिए कि मेरी जिंदगी दुश्वारियों से, परेशानियों से, मुश्किलात से घिरी हुई है, लेकिन मुझे इन्हीं मुश्किलात में जिंदा रहना है, इन्हीं में जिंदगी गुजारते हुए मुझे अपने रब को राजी करना है, अपने दीन को गालिब करना है, किताब व सुन्नत को लोगों के दिलो दिमाग में उतारना है। और ये चीज इस हद तक होनी चाहिए जिसको कहते हैं धुन, लगन, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के बारे में फरमाया, फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आफारिहिम। आप हज़रात उलमाए किराम हैं, सब जानते हैं कि बाखिउन नफ्सक अला आफारिहिम कितना जोर है, कितनी कुव्वत है इस ताबीर में। तो ये लगन, ये धुन अगर आपको है कि मैं अपने लोगों को, मुसलमानों को, मेरे आसपास रहने वाले लोगों को जहन्नम से बचाऊं, जलालत और गुमराही से उनको बचाऊं, बिदात और शिरकियात से उनको महफूज रख सकूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, मुझे इस सिलसिले में कोशिश हर आन करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा करोगे तो ये हो जाएगा। आपको आपका नफ्स ही नहीं डराता, आपका शैतान ही नहीं डराता, आपके हमदर्द भी आपको डराते हैं, आपके खैर ख्वाब ही ख्वाब ही आपको बुजदिल बनाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहते आप काम करो, हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना हैं, पहले ऐसा अगर कुछ होगा तो हमारे साथ होगा, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास तौर पर भेजता है किसी आलिम, किसी दाई की मदद के लिए, और वो अपनी जान पर खेल जाते हैं जब मौका आता है। लेकिन आप ऐसा सोचकर नहीं चलेंगे कि जब तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा तब तक हम दावत तबलीग नहीं करेंगे, बोल साहब फितना हो जाएगा, रहने नहीं देंगे, रिश्तेदारी से निकाल देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे, पंचायत डाल देंगे, गांव से निकाल देंगे। ये डर आते हैं ना हमारे दिमाग में, और अक्सर लोगों को इस तरह के हालात पेश आते रहते हैं। तो ये तो आप जिस चीज की दावत दे रहे हैं ये तो उसके खमीर में है, उसकी बुनियाद में है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली बार ही बता दिया है कि यह काम आसान नहीं है, दुश्वार है, दुश्वारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर आपने एक नियति से यह काम कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर है, मददगार है और रहेगा। और अगर इस राह में आपकी शहादत हो जाती है तो यह घाटे का सौदा नहीं है,
दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सहरा आपके सर बांधा जाएगा। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का अक्सर हिस्सा जेल में गुजर गया। इब्नुल कय्यिम ने अपने उस्ताद की तरह से जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जेल में गुजारा। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इतने कोड़े खाए कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। इसके बावजूद जब चौथे खलीफा ने आपको वहां से निकाला और ताजीम व तकरीम के साथ आपको पेश किया और मोतजिला और उनके अइम्मा के साथ उसने दूसरा मामला करना शुरू किया, तो उस चौथे खलीफा ने हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया था कि इमाम साहब एक दरख्वास्त थी। कहा कहो? दरख्वास्त ये थी कि मेरे बाप मेरे भाई जिन लोगों ने आपके साथ ये जुल्म व ज़्यादती रवा रखी, जेलों में डाला, रोज़ाना कूड़े लगवाए, आपको इस हद तक पहुंचा दिया, उनको माफ़ कर दे। तो कहा कि आपके दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं है, मैं जिस दिन निकला हूँ उसी दिन मैंने माफ़ कर दिया। तीन खलीफा मर चुके हैं, ये चौथा खलीफा है जिसने उनको जेल से निकाला, क्या मैंने उनको माफ कर दिया? और एक बहुत बड़ा सूफी बकरी, अर्रद्द अलल बकरी, ये किताब का नाम सुना आपने, इमाम इब्ने तैमिया का बहुत बड़ा अपने जमाने का सूफी, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करने कराने में उसने कोई दकीका नहीं छोड़ा। और जब मिजाज शाही बदला हुकूमतों के तो यही बात होती, उनके इंसाफ और जुल्म में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जब मिजाज बदला और हुकूमत ने कहा कि इसको पकड़ो, इसको कत्ल किया जाएगा, तो उसको छुपने को कहीं जगह नहीं मिलती थी। पूरे बगदाद में तो अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के घर में आकर छुपा था। आप अंदाजा कर सकते हैं ये वसी अखलाक। आजकल हमारे यहां उलमाए किराम में वुसअत ज़र्फ़ी, वुसअत क़ल्बी, वुसअत नज़री, इन चीजों की जितनी कमी हो रही है ना, ये जो इतने झगड़े फसाद और टंटे सब हो रहे हैं, ये सब इसी वुसअत क़ल्बी नज़री और इल्मी की कमी की वजह से। उसको माफ करा दिया। तो किसी ने उससे पूछा कि तुमने एक आदमी को जलील करने, बेइज्जत करने, बदनाम करने, इल्जाम तराशी करने, बोहतानबाजी करने, कत्ल करने और कराने में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया, लेकिन अल्लाह की नज़र सीधी थी, वो तो बच गए, और जब पासा पलटा तुम्हारी तरफ, जब दुश्वारियों का ज़माना आया, तो तुम्हें पूरे बगदाद में कहीं और कोई जगह नहीं मिली, तुम यहाँ क्यों आए छुपने के लिए? तो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि इस आदमी का दिल कितना बड़ा है,
बगदाद में मेरे बहुत से मुरीद दोस्त अहबाब भी हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। लेकिन इस आदमी की दीनदारी, नेकी, परहेजगारी और वसत ज़र्फ़ी और वसत कलबी पर मैं शक नहीं कर सकता था, इसलिए इसके घर में आकर छुपा। हमारी जमात में, जमात की तारीख पढ़ो आप, उलमाए कराम, आप तमाम उलमा हैं, पुराने उलमाए कराम के तस्करे पढ़ते रहा करो, उससे हमारी इसलाह होती है, हमारे दिनों की भी, हमारी रातों की भी, हमारे कलम की भी, हमारी ज़ुबान की भी। मेरी नज़र में हज़रत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा वसीउल क़ल्ब, वसीउल ज़र्फ़, वसीउल ज़हन और वसीउल नज़र कोई आलिम, उनसे बहुत बड़े बड़े आलिम हमारी जमात में मौजूद हैं, बड़े बड़े आलिम। उमिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिगारे तलामिजा में शुमार होते हैं, और जो किबारे तलामिजा में है, जिनकी तारीफें खुद मियाँ साहब ने की हैं, लेकिन इस वस्फ में उनका कोई मुकाबिल नहीं है। और इस बुनियाद पर उनके साथ कई सारे इल्ज़ाम तराशियां भी उनको बर्दाश्त करना पड़ी, और बर्दाश्त कर गए वो, उन्होंने शिकायत नहीं की। यहीं दिल्ली में ख्वाजा हसन निज़ामी ने जब वहाबियों के सिलसिले में किताबचा लिखा, नादान वहाबी, और कहा कि ये बड़े शिद्दत पसंद होते हैं, इनमें रवादारी और ये वो सब कुछ नहीं होता है, तो उसका जवाब हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब जूनागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था नादान निज़ामी के नाम से। ये जवाब अपनी हैसियत का अलग जवाब था, लेकिन मौलाना ने अखबार अल हदीस में जो कुछ लिखा तो लिखा, ख्वाजा साहब हम जैसा तो आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। और फिर उसमें दो तीन मिसालें लिखी, हम तो ये करते हैं ये करते हैं, और आज तक इसके बावजूद कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं, आपको मुसलमान ही मानते हैं। उनके पास मौलाना की बात का जवाब नहीं था। तो बात क्या हो रही थी, चैलेंज। तो दावत का मैदान अज अव्वल ता आखिर चैलेंजों से भरा हुआ है। कोई जिंदगी का हिस्सा ऐसा नहीं है दाई का जो चैलेंज से खाली हो। और जरा आप देखिए, अहसिब अन्नास वन युतरकु वन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। आप क्या समझे बैठे, आमन्ना कह देंगे और बस काम चल जाएगा, और फितने में मुबतला नहीं किए जाएंगे। और इस तरह की आयतें कुरान शरीफ में और भी मुतअद्दिद हैं। आज के ज़माने में जो चैलेंज है, एक वो चैलेंज है जो आलमी ताकतों की तरफ से इस्लाम के रास्ते में पेश किया गया है। उसके अलावा कुछ और चैलेंज है। इन चैलेंजों में आप देखें, अखलाकी इख्तसादी चैलेंज ये सबसे बड़े हैं आज के ज़माने के। मगरब वाले इस्लाम के मुकाबले में कभी कामयाब नहीं हुए। जब उस मैदान में जो जंग का मैदान कहलाता है, जब कामयाब नहीं हुए तो इन्होंने दूसरे हरबे अख्तियार किए। और तारीख अगर आप देखें तो खिलाफत उस्मानिया की तारीख पढ़ें आप,
उसके जवाल से पहले की तारीखें उसके बहरी बेड़े के मुकाबले में पूरे मगरिब के पास ऐसा बहरी बेड़ा नहीं था। लेकिन आप देखें कि इनको इतनी तरगीब दिलाई गई और ऐसे आराम आसाइश ज़ेबाइश इन तमाम चीज़ों के ख्वाब दिखाए गए। और एक खलीफा जब गया मगरिब में और उसके साथ जो कुछ हुआ वहाँ पर, यहाँ पर आकर उसका मिजाज बदला और यहाँ के लोगों को मगरिब पढ़ने के लिए भेजा जाने लगा, तो देखिए उन्हीं में से एक वो था अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नाम से। हमारे बचपन में यहाँ जामा मस्जिद पे अजीम मुजाहिद गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क इस नाम से किताबें बिका करती थी। जबकि इस आदमी ने खिलाफत का बेड़ा गर्क किया, मुसलमानों को वो नुकसान पहुंचाया कि मुसलमान आज तक अपने पैरों पे खड़े होने की सकत नहीं पाते। ये क्या था? ये हुरूब फिक्रिया, फिक्री जंग। और इसमें सबसे पहले तुर्की के बाद बड़ा नंबर मिस्र का। यहां पर बड़े बड़े नकार पैदा हुए जो इस्लाम की किसी भी चीज को उन्होंने बगैर तनकीद के नहीं छोड़ा। वो महासिन जिनका दुश्मन भी एतराफ करते हैं, उन महासिन को भी उन्होंने मायब बनाकर पेश किया। फिर तुर्की और अरबी की नस्ल परस्ती की जंग इन्होंने छेड़ी और इसकी वजह से यह खिलाफत इस्लामिया या खिलाफत उस्मानिया जवाल पजीर हुई और सारी दुनिया में मुसलमानों की ताकत और कुव्वत का जनाजा निकल गया। और तब से आज तक मुसलमान वो सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं कर सके। और आज के तनाजुर में तो उसका ख्वाब देखना भी शायद कुछ लोगों को दुश्वार लग रहा हो, हालांकि ऐसा नहीं है। तारीख अपने आप को बदलती रहती है और ये सब कुछ होता रहता है। दाई को इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए और इन इनकलाबात ज़माना को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करते हुए उसको अपने मिशन से जुड़े रहना चाहिए। हवाएं कितनी ही तेज चले, आंधियां चले, तूफान आए, जलजले आए, लेकिन हमें अपनी दावत से मुतजलजल ना करें। कुछ भी हो जाए, ये इतना अजीम मुल्क था, एक लंबे जमाने तक हमने यहां पर हुकूमत की, गुलाम हो गया 200 साल से ज्यादा अरसे तक। फिर उसके बाद आजादी की जंग में सबसे ज्यादा खून किसने पेश किया? मुसलमानों ने, उलमा ने खासतौर से। आजादी मिली तो बंटवारा हो गया, उसके बाद फिर बंटवारा दर बंटवारा हो गया। आज सूरत हाल ये है। हमारे बचपन में तो ये था, जो आदमी जाना चाहे जा सकता था, आसानी थी। आज अगर आप यहाँ से जाएं तो ना मशरक वाला कबूल करता है ना मगरब वाला कबूल करता है, तो आप कहाँ जाएंगे? और ये जो कुछ भी यहाँ पर पेश आया है, ये हमारी उसी भूल का नतीजा है, उसी कोताही का नतीजा है जो हमने बरसरे इख्तदार रहते हुए, हुकूमत में रहते हुए, अपने आप को शहंशाह कहलाते हुए दावत से मुंह मोड़ा, दावत का काम नहीं किया इतने लंबे अरसे तक।
किसी बादशाह ने भी इसको जरूरी ख्याल नहीं किया, जबकि कुरान हमें यह बतलाता है कि दावत ही असल मिशन है इस उम्मत का। कौन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिलमारूफ व तनहून अनिल मुनकर, ये मकसद है आपका। वलतकुम मिनकुम उम्मा, ये मकसद बतलाया जा रहा है आपका, लेकिन न किसी गिरोह ने, न हुकूमत ने, न कौम ने मजमूई हैसियत से इस काम को नहीं किया। उसके नतीजे में जो कुछ परेशानियां हैं वो हमारी भूल का नतीजा है, वो हमारी कोताही का नतीजा है। तो चैलेंज आपके सामने बहुत हैं, बड़े हैं। अब मैं छोटे छोटे चैलेंजों की तरफ आता हूं। क्या करें, मुतवल्ली लोग काम करने ही नहीं देते। ये खुतबा अगर कुछ कह दिया उनके मिजाज के खिलाफ हो गया तो ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, बोरिया बिस्तर बंधवा देते हैं। अच्छा जी, और क्या करें, दावत देके मौलवी बनना बेइज्जत होने के बराबर है। समाज में आपकी कोई इज्जत है? कोई इज्जत नहीं। इक्तसादी तौर पर सबसे तबाह हाल कौन है? मौलवी दाई। ये क्या समझते हैं आप, ये जो शिकवे शिकायतें आजकल सोशल मीडिया पे, हमारे अधकट्टे मौलवी ज्यादा सरगर्म हैं इसमें और वो इसको उठाते रहते हैं, ये बदतरीन जुर्म का इर्तकाब कर रहे हैं। जो लोग दावत का काम कर रहे हैं इत्मीनान के साथ, उनको भी बेहौसला करते हैं, उनकी हौसला शिकनी करते हैं, और जो नए तैयार हो रहे हैं उनको बदगुमान बदजन करके दावत के मैदान से इधर उधर भगाने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये सबसे बड़े दुश्मन है दावत के। ये आए कहां से हैं? हमारे ही मदरसों में हमसे ही पढ़ के आए, कहीं और से नहीं। जिसको हमने आशना तर्ज़े तकल्लुम से किया, उस हरीफे बेजुबान की गर्म गुफ्तारी तो दे, जा पढ़ के देख लीजिए आप फेसबुक पे और इस पे, जो हमारे बड़े बड़े जामियात के फारिगीन हजरात जो तबसरे कर रहे हैं नाजिमों पर, मुहतमों पर, मुतवलियों पर, इतने दिल खराश तबसरे के, इतने दिल खराश तबसरे तो गैर मुसलिमों ईसाइयों और यहूदियों पर भी नहीं करते ये लोग। ये नेक काम कर रहे हैं। कलम आपकी जुबान, आपकी सोच, इन समा वल बसर वल फुआद, इस आयत करीमा को जहन में रखो, कल कयामत में इन तमाम चीजों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो जो बेहंगम चल रहा है, हमारा कलम और हमारी जुबान, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के जमाने का हमारे लिए, जो हमें बेहौसला करता है, हमें बेइज्जत करता है, हमें नंगा करने की कोशिश करता है, हमारी पगड़ी उछालता है। हम शिकवा करते हैं मालदारों का, शिकवा करते हैं अमीरों का, अरे दूसरों के शिकवे कर रहे हो, अपने गरेबान में तो मुंह डाल के देखो तुम क्या कर रहे हो। तुमने दावत को कितना फायदा पहुंचाया, किसी दाई को कितना फायदा पहुंचाया, किसी दाई की जिंदगी में कौन सी आसानी पैदा की है, सहूलत पैदा की है, उसके बच्चों के लिए, उसके घर के लिए, उसकी कमाई के लिए, या उसके लिए किताबों का, किसी चीज का तुमने बंदोबस्त किया है? नहीं। हम क्या है, हम तो कुछ, तुम कर कुछ नहीं सकते सिवाय बर्बादी के, दावत को बदनाम करना, उलमा पर कीचड़ उछालना, मुतवल्लियों नाजिमों मुहतमिमों इन तमाम की पगड़ी उछालना और उनकी रातों की खबरें रखना और उनके दिन के सारे अखबार जमा करना, ये काम है हमारा। सबसे बड़ा चैलेंज आज के जमाने का ये है जो हमारे घर से पैदा हो रहा। रसूल अकरम को
जब आपने दावत आम दी थी, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, बाहर से नहीं घर से मुखालिफत हुई थी, अबू लहब ने मुखालिफत की, आपका अपना था, खानदानी था, तो आप क्या किरदार अदा कर रहे हो? किसका? आप तो दावत कर, इन्हीं मदरसों में आज हमें ताने दे रहे हो, जकात का खैरात का खा रहे हैं, तुम इन्हीं जकात खैरात का खाकर तुम कलम चलाने के लायक हुए हो, आज बदजुबानियां कर रहे हो। ये बुरी चीज है जकात और खैरात, बुरी चीज होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उलमा के लिए, दुआत के लिए ये चीज रखता। हजरत उमर फारूक को भेजा जकात वसूल करने के लिए, एक हिस्सा अल्लाह के रसूल ने उनको दिया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझको नहीं। कहा क्या? नहीं नहीं क्यों नहीं, मतलब लो दिया, और उन्होंने लिया। हजरत उमर फारूक से ज्यादा बड़े हो तो उनसे ज्यादा आला और ऊंची शान रखते हो, तो डर यह है कि कहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अहले बैत पर और आपके मुहिब्बीन पर तुम्हारी ये जुबान दराजियां न होने लगे, तो इस बात से डरना चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज यह है कनात, सब्र, हिकमत, ये एक दाई के सबसे बड़े हथियार हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी सब्र में गुजर गई, कभी किसी भी मुसीबत और परेशानी पे आपने शिकवा नहीं किया अल्लाह रब्बुल इज्जत का। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कह रहा है? वस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिन रसूल। इतने सब्र के बाद, इतने सब्र के बाद कि जिस्म से लहू बह बह कर आपकी जूतियों में आकर जमा हो जाए, फिर कहा जा रहा है कि सब्र करो। तो हमारे लिए नहीं है ये आयत, हमको नहीं कहा जा रहा है। भाइयों अजीजों, हमें अपना जायजा लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये कितना कीमती काम आप कर रहे हैं। ये रास्ता जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजारों नहीं लाखों लोगों में आपके लिए चुना है, आपकी बस्ती में आपके अलावा और कितने लोग हैं जो दिनी तालीम पढ़ने के लिए निकले हैं, इस मुश्किल और दुश्वार मंजिल पे उन्होंने कदम रखा है, कितने और लोग हैं? कोई एक भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको पसंद किया अपने दीन की खिदमत के लिए, जैसे तैसे हालात गुजर गए, लेकिन वो चाहता है आपसे कि आप मेरे दीन की तबलीग करो, दावत दो, तो आप अपना दर्जा और मर्तबा नहीं समझ रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा और पसंद को आप पसंद नहीं कर रहे, तो आप बड़े बड़े बाल रखा कर, दाढ़ी मुड़ाकर, पैंट पहनकर और शर्ट पहनकर बहुत बड़े 30 मार्खा बन जाएंगे आप। ये सारी चीजें तो वो सड़क छाप लोग भी कर रहे हैं जिनको बुरे बुरे अलकाब से याद किया जा रहा है, वो नाम जिन नामों पर आज पाबंदी लगी हुई है, अगर आपने किसी को कह दिया तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। वो भी पैंट पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, बड़े बड़े बाल रख रहे हैं, तुम में और उनमें क्या फर्क रह गया? तो अपने आप को समझो, अपनी शक्ल सूरत को बेहतर बनाओ। और मैं देख रहा हूं कि मेरे पड़ोस में कुछ हरकत हो रही है, मैं अपनी बात मुख्तसर नहीं बल्कि बंद करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों अजीजों, ये बहुत बड़ा और अजीम काम है, इसके लिए कोई भी चैलेंज आए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, तुम्हारे दिल को सब्र आ जाएगा। मेरे रसूल के साथ जब ये हुआ, वो सैयदुल अवलीन वल आखिरीन,
शफी उल मुज़निबीन और रहमतुल आलमीन का दर्जा रखते हैं, उनके साथ जब ये हुआ हम क्या हैं, हम तो उनके खाक पा भी नहीं हैं, तो हमारे साथ हो रहा है तो क्या है, कुछ भी नहीं है। दीन की मोहब्बत पैदा करो, तुम्हारे लिए ये सारे मराहिल आसान हो जाएंगे। और कभी भी शैतान, नफ्स और शैतानों की ज़ुर्रियत और शैतानों के भाई तुम्हें वरगला नहीं पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको निकमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शेख मोहतरम ने बहुत बसीरत के साथ अपने उन्मान पर गुफ्तगू फरमाई है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।